नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। अभी भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो मौलवी पकड़े गए हैं जो धर्मांतरण कराते थे, और लगभग कई लोगों का उन्होंने धर्मांतरण कराया, उनको योगी आदित्यनाथ ने ठोका है। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले और देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप ज़रूर उसकी सूचना पुलिस को दें। बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ का कहर बरपा है। धर्मांतरण मामले में सीएम योगी सख्त नज़र आए हैं, दोषियों के खिलाफ NSA लगा दिया गया है। बता दूं आपको, जिस तरह से लगातार ये लोग ऐसे जिहादी लोग हैं, ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले लोग हैं जो बिना सोचे समझे देश में हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री मिल जाए योगी आदित्यनाथ जैसा, तो उनकी सारी एकड़ी और सारा उनका प्लान यहीं पर चौपट हो जाता है। बता दूं आपको, UP में धर्मांतरण कराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इन लोगों पर CM योगी ने NSA लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस गिरोह पर 1000 से ज़्यादा लोगों के धर्मांतरण के आरोप हैं, यानी कि ये जैसे जिहादी अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कमर कस लिया है। अब ये सब जिंदगी भर जेल में सड़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने देश बांटने वाला काम किया है, इन्होंने देश तोड़ने वाला काम किया है, एक धर्म को गुमराह करने का काम किया है। क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो आज हमारी खबर सुन रहे होंगे, उनके साथ भी ऐसी घटनाएँ हुई होंगी। कभी आप बाहर निकलते होंगे, सफ़र करते होंगे, या फिर किसी होटल में जाते होंगे, तो आपको एक या दो लोग ऐसे मिलते होंगे जो आपके पास आते हैं, उठते बैठते हैं, आपसे व्यवहार बनाते हैं, और वहीं अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं, और आपको बताते हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे जो ईष्ट हैं, आपकी ऐसे सेवा करेंगे, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, हम आपको नौकरी दे देंगे, आपको ये कर देंगे, आप धनवान हो जाएंगे, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, हम भी पहले गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, आप ये धर्म अपना लीजिए। यानी कि इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बूस्ट करेंगे, लेकिन आपको इन सब से नहीं भटकना है, इन सब बातों में नहीं आना है, अन्यथा आप भी अपने परिवार की नज़रों में गिर जाएंगे, अपने समाज की नज़रों में गिर जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके धर्म पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। यानी कि अगर 1000 लोग भी धर्म परिवर्तित हो गए, तो 1,00,000 के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है, पूरे देश में सवाल खड़ा हो जाता है, और हमारा सत्य सनातन जो धर्म है वो बदनाम होने लगता है। इसीलिए आप लोग से विनती है, कृपया इन झांसों में ना पड़े। कोई धर्म मज़हब आपको ऊंचा नहीं बनाता है, आपका कर्म ही आपको ऊंचा बनाता है। जैसा आप करेंगे आप वैसा ही पाएंगे, क्योंकि हमारा देश कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर जो कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जो इस तरह की हरकतें करेगा कि हमारे ये धर्म ये है, दूसरा धर्म अपनाते हैं, क्या फ़ायदा होगा, ये तो आपके कर्मों का फल है। जो आप करेंगे उतना ही पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है ना कि कर्म बलवान है, और आपके पास अगर वो शक्तियाँ हैं तो आप ज़रूर कर दिखाएंगे। किसी धर्म मजहब में जाने से किसी को फ़ायदा नहीं होता। आप उठा लीजिए पाकिस्तान को, जहाँ पर आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझते होंगे कितना भिखारी देश है। क्या वहाँ पर सही से इबादत नहीं हो पा रही, सही से पूजा पाठ नहीं हो पा रही, जो उनका क्रियाक्रम है? तो कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ धार्मिक प्रोपेगेंडा है जो आप लोग को बहलाया फुसलाया जाता है। लेकिन जो मौलवी गिरफ्तार हुए हैं, उन लोगों ने ISI से उनकी फंडिंग होती थी, ISI उसमें शामिल था, और भी विदेशी मुद्रा उनके पास आती थी, तो आखिरकार वो ऐसा काम क्यों नहीं करें? क्योंकि कुछ लोगों ने इसे अपनी नौकरी बना लिया है, और कुछ लोग को कुछ पैसे दिए जाते हैं कि जाओ और अब धर्म का प्रचार करो और लोगों को कन्वर्ट करो। वो लोग का यही रवैया होता है, यही काम होता है, लेकिन आप लोग उनके काम में अपना हिस्सा बांटने लगते हैं, उनके काम में आप भी मिल जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, जिससे कि स्थिति साफ है कि इन जैसे गद्दारों को, जाहिलों को सख्त सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई ये कृत्य न करे। आज कोई दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो शायद इनका इतना बड़ा खुलासा ही ना होता, क्योंकि ये काम आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से हो रहे हैं। इन कामों को रोकने के लिए योगी जैसा CM हर राज्य में आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग तो कभी विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धार्मिक लड़ाई ही
देश को बर्बाद करती है, जैसे कि हम कई देशों को उदाहरण देना चाहें लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि हम जातिगत बातें नहीं करते हैं और किसी के दिल को ठोस भी नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सतर्क ज़रूर हो जाइए इन जैसे मौलवियों से, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। अगर आपको भटकाने की बात करें तो आप लोग भटकिए मत, क्योंकि आज उनको तो ठोंका गया है। योगी आदित्यनाथ ने उनको ठोंक दिया और ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। जो दूसरे का कन्वर्ट कराते थे, बताते थे कि आप हमारे धर्म में आएंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा, आज वो खुद गुलाम बन चुके हैं सरकार के। अब वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे, ज़िंदगी भर उनको पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तो क्या आप ऐसे कृत्य करेंगे? जिन लोगों ने कृत्य किए हैं और बात पब्लिक नहीं हुई है, तो कृपया जो उनका धर्म था अपने धर्म में ही शामिल हो जाएं। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहलाने फुसलाकर लोग आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए आपको अपने धर्म पर गुमान होना चाहिए, आपको अपने कर्म पर गुमान होना चाहिए। अगर आपका धर्म अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, तो आप महान हैं। अन्यथा आप किसी भी धर्म मज़हब के क्यों ना हो, अगर आपके कर्म कृत्य खराब है तो आप खराब ही होंगे। क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण, लव जिहाद, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने की राह पर हैं, और इन्हें सही समय पर नहीं रोका जाएगा तो दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। आज उन्होंने 1,000 लोगों को धर्मांतरण कराया, कल वही लोग 10,000 लोगों को धर्मांतरण कराएंगे। तो सोचिए कि कितना बड़ा देश में धर्म का परिवर्तन है, आपके पीछे लोग कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं और शायद आपको पता भी नहीं चल रहा। तो इस तरह के कोई भी लोग आपको मिले तो आप तुरंत सूचना पुलिस को दीजिए कि जबरन ये हमारा धर्म परिवर्तित कर रहा है, हमको बार बार टॉर्चर कर रहा है। आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में है तो आप बेझिझक ये कोशिश करके देखिए, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। जो उसका गुरूर है अपने धर्म को लेकर, गुरूर नहीं है, पैसे का गुरूर है, धर्म का गुरूर नहीं, पैसे का गुरूर है। अगर उसे धर्म का गुरूर होता तो कहीं पहाड़ों पर बैठकर एकांत में अपने ईष्ट की पूजा करता, लेकिन ऐसा नहीं। उसका काम सिर्फ है कि देश में हिंसा भड़काना, देश को बर्बाद करना और देश में एक विशेष धर्म का झंडा लहराना। उसका यही कार्य है, जिसमें कई हिंदू शामिल भी हो जाते हैं। इसीलिए हिंदुओं को शामिल नहीं होना है, बल्कि उनको जवाब देना है। सबसे बड़ा, सबसे पुराना धर्म सत्य सनातन धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए आपको जो धर्म मिला है, आप उस धर्म का सम्मान ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं तो सच्चाई जनता तक ज़रूर पहुंचती है और उन लोगों के मुंह पे सीधा तमाचा पड़ता है जो लोग आज दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो जात के नाम पर राजनीति करते हैं। उन जैसे लोगों का शायद भारत में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये लोग होते ही हैं देश को बर्बाद करने वाले। हर राज्य में योगी जैसा सीएम नहीं है, लेकिन हर राज्य में इन जैसे ऐसे मौलवी हैं जो धर्मांतरण का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं और उनका धर्म भी परिवर्तित करते हैं। इसीलिए आप लोगों को अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जो आपके धर्म की भी रक्षा कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर कोई हिंदू है और आप किसी दूसरे धर्म से आते हैं, तो अगर आपको वो भी परिवर्तित करे तो आप भी उसके ऊपर आप मुकदमा लिखवा सकते हैं, उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं, क्योंकि आपका धर्म आपको मुबारक हो, हमारा धर्म हमें मुबारक हो। भाईचारे की बात अलग है, लेकिन धर्म मज़हब के नाम पर कट्टरवाद फैलाना और देश में हिंसा भड़काना, ये कहीं ना कहीं अवमाननीय घटना है। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उसके ऊपर जो मौलवी गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर गैंगस्टर की धाराएं लगाई गई हैं, उनके ऊपर कह सकते हैं कि NSA लगा दिया गया है, यानी कि अब उनको पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना होगा, क्योंकि वो भारतीय मुद्रा पे नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा पर खेल खेलते थे। उन्हें पाकिस्तान से पैसा आता था, अन्य कई देशों से उनके पास पैसा आता था ये काम करने के लिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने वाट लगा दी, बैंड बजा दी, और ऐसे कई सारे लोग आपके समाज के बीच में घूम रहे हैं, उन सबको जवाब देने का फर्ज आपका है। आप जाइए और न्यायपालिका की मदद लीजिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो समाप्त कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।